इस तरीके को आपको कोई बताएगा नहीं, 100% गारंटी के साथ आपके बालों को लंबा और घना कर देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, आपके बालों को तेज गति से विकसित करने के लिए लोग अक्सर कई समाधानों की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी ठीक से काम नहीं करता। वे महंगे तेलों और शैम्पू और अन्य हेयर केयर उत्पादों को भी लगाते हैं और कभी कभी अपने बालों पर हानिकारक प्रभाव डाल लेते हैं। हर महिला अपने बालों को बहुत प्यार करती है, सभी को अपने बाल गहरे, चमकते, सुंदर और मजबूत चाहिए, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और खान पान से ज्यादातर सभी महिलाओं के बाल झड़ने लगे हैं दोस्तों। लेकिन हमारे द्वारा बताए गए तरीकों से आप बालों को लंबा और घना करेंगे तो आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, चावल। दोस्तों चावल के पानी में अमीनो एसिड इनोसिटियोल नामक तत्व पाया जाता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत करने और बालों के झड़ने को रोकने में मदद करता है। इसका उपयोग करने से बाल मुलायम और तेजी के साथ विकास होता है। दोस्तों इसके लिए आप एक कटोरी चावल को 3 कटोरी पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें। अब चावल के पानी से 5 मिनट तक बालों में मालिश करके बालों को धो लीजिए। नंबर दो, आलू। दोस्तों बालों के झड़ने पर आलू का रस काफी कारगर होता है। 2 या 3 आलू का जूस निकाल कर आप इससे बालों में लगाकर 15 मिनट तक रहने दें। आलू में मौजूद विटामिन बी बालों को लंबा बनाता है। नंबर तीन, जैतून। दोस्तों जैतून के तेल को हल्का गुनगुना करके अपने सिर पर अच्छे से हल्के हाथ से मसाज करें और 1 से 2 घंटे लगा रहने दें। आप चाहें तो तेल को रात भर के लिए ऐसे ही लगा हुआ रहने दें और सुबह किसी अच्छे हर्बल शैम्पू से बालों को धुल लीजिए। नंबर चार, अंडा। दोस्तों इसके लिए आप 2 अंडे लेकर इसमें के अंदर के पीले और सफ़ेद हिस्सों को निकाल लें। अब सफ़ेद हिस्से में 2 चम्मच दही मिलाकर इसे बालों में लगाकर आधे घंटे के लिए रहने दें। सूखने पर बालों को शैम्पू कर लें। इसके बाद आपके बालों की जड़ें मजबूत होने लगेंगी और बाल तेजी से लंबे और घने होंगे। नंबर पाँच, प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो हमारे बालों के विकास को बढ़ाते हैं। इसमें मौजूद सल्फर तत्व बालों को थिक और शाइनी बनाता है, साथ ही उनकी लंबाई को भी तेजी से बढ़ाता है। प्याज का रस सिर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और स्कैल्प को मजबूत बनाता है। इससे आपके बाल स्वस्थ होते हैं और उनका विकास भी तेजी से होता है। इसके लिए हफ्ते में 1 बार प्याज को काटकर इसके रस को निकाल लीजिए और उसे नारियल के तेल में डालकर अपने बालों में लगाएं और मालिश करें। इसके बाद आपके बाल अच्छे से हो जाएंगे और धोने के बाद उलझेंगे भी नहीं।